सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले रैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 90 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 176.25 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक टॉप बना 218 रुपीज का, 218 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक टॉप बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है जहां पर स्टॉक का नीचे का एक लोअर सर्किट लगा 171 रुपीज का, 171 रुपीज के स्टॉक में एक लो बनाया और यहीं से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब स्टॉक का जो एक बड़ा सपोर्ट लेवल है वो 170 रुपीज पर बन चुका है। ऊपर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 185 रुपीज का। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा जहां पर स्टॉक 185 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहेगा। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग नहीं लेता स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 170 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 210 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक 185 रुपीज के बाद एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।